नमस्कार दर्शकों, डेली ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिग बॉस के सारे सीजनों के विनरों के बारे में बताने जा रहे हैं और उनसे कुछ रूबरू कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस 14 जल्दी ही शुरू हो रहा है। सलमान खान के इस शो को प्यार, मोहब्बत, गाली गलौच, इमोशनल टकरार जैसी सभी मामलों में दर्शाया जाता है। एक बार फिर से ये शो प्रसारित होने वाला है बिग बॉस 14 के रूप में। बिग बॉस विनर के ताज तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। कैमरे की निगरानी में तरह तरह के टास्क दिए जाते हैं और फिर वोटिंग के जरिए विनर का सिलेक्शन होता है। हम आपको सीजन 1 से सीजन 13 तक के उन सभी विनरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने बिग बॉस के ताज को पहना है और अपने सर पर सजाया है। सीजन पहले में राहुल रॉय बिग बॉस का पहला सीजन सोनी टीवी पर 3 नवंबर 2006 को टेलीकास्ट हुआ था। फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले राहुल रॉय इस सीजन के विनर रहे थे। अब बात करते हैं सीजन 2 के बारे में। सीजन 2 के विनर आशुतोष कौशिक थे। बिग बॉस का दूसरा सीजन 2008 में 17 अगस्त को टेलीकास्ट हुआ था। इस सीजन को शिल्पा शेट्टी ने होस्ट किया था। इस सीजन के विनर आशुतोष कौशिक थे। अब बात कर लेते हैं सीजन 3 के बारे में। बिंदु दारा सिंह सीजन 3 जीते थे। बिग बॉस का तीसरा सीजन 4 अक्टूबर 2009 को शुरू हुआ था। इस सीजन को अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था। इस सीजन के विनर बिंदु दारा सिंह थे, जो कि द ग्रेट दारा सिंह के बेटे हैं। अब बात कर लेते हैं सीजन 4 के बारे में। सीजन 4 की विनर श्वेता तिवारी थी। ये सीजन 3 अक्टूबर 2010 को शुरू हुआ था। इस सीजन को सलमान खान ने होस्ट किया था। इस बार शो की विनर टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस और सबकी चहेती बहू श्वेता तिवारी बनी थी। इस सीजन में डॉली बिंद्रा ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। अब बात कर लेते हैं सीजन 5 की विनर के बारे में। सीजन 5 की विनर जूही परमार थी। ये सीजन 2 अक्टूबर 2010 को शुरू हुआ था। इस सीजन को संजय दत्त ने होस्ट किया था, लेकिन शो की खास बात ये थी कि इस सीजन में सलमान खान की झलकियाँ भी दिखाई दी थी। इस सीजन की विनर टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस जूही परमार थी। अब आ जाते हैं सीजन 6 पर। सीजन 6 उर्वशी ढोलकिया ने जीता था। ये सीजन 6 अक्टूबर 2012 को शुरू हुआ था। इस सीजन में सलमान खान ने बतौर होस्ट पूरी तरह से वापसी की थी। इस सीजन की विनर टीवी दुनिया की परफेक्ट वैम्प यानी कि कमोलिका यानी कि उर्वशी ढोलकिया बनी थी। अब बात कर लेते हैं सीजन 7 के बारे में। सीजन 7 की विनर गोवार खान बनी थी। ये सीजन 15 सितंबर 2013 को शुरू हुआ था। इस सीजन की विनर गोवर खान थी। इस सीजन को भी सलमान खान ने ही होस्ट किया था। अब बात कर लेते हैं सीजन 8 के बारे में। सीजन 8 को गौतम गुलाटी ने जीता था। ये सीजन 21 सितंबर को शुरू हुआ था। इस सीजन में थोड़े बदलाव किए गए थे। इस सीजन को एक महीने तक आगे बढ़ाया गया था। इस सीजन को टीवी एक्टर गौतम गुलाटी ने जीता था। अब बात कर लेते हैं सीजन 9 के बारे में। सीजन 9 प्रिंस नुहाल ने जीता था। इस सीजन की शुरुआत 11 अक्टूबर 2015 को हुई थी। इस सीजन को और इस शो को सलमान खान ने ही होस्ट किया था। इस सीजन के विनर प्रिंस नुहाल थे। प्रिंस नुहाल पहले रोडीज और स्प्रिट वीला जैसे रियलिटी शो भी जीत चुके हैं। अब आ जाते हैं सीजन 10 के बारे में। सीजन 10 को मनवीर गुजर ने जीता था। इस सीजन की शुरुआत 16 अक्टूबर 2016 को हुई थी। इस सीजन को मनवीर गुजर ने जीता था। इस सीजन को सलमान खान ने होस्ट किया था। मनवीर गुजर ने बिग बॉस के घर में एक कॉमन शख्स के रूप में एंट्री ली थी। मनवीर नोएडा के आगापुर गांव के रहने वाले थे। इस सीजन को अपने नाम मनवीर गुजर ने ही किया था। अब बात कर लेते हैं अगले सीजन के बारे में, यानी कि सीजन 11। सीजन 11 शिल्पा शिंदे ने जीता था। सीजन 11 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2017 को हुई थी। इस सीजन को सलमान खान ने ही होस्ट किया था। इस सीजन की विनर शिल्पा शिंदे बनी थी। अब बात कर लेते हैं सीजन 12 के बारे में। सीजन 12 को दीपिका कक्कड़ ने जीता था। बिग बॉस 12 की शुरुआत 16 सितंबर 2018 को हुई थी। इस शो को बड़े ही अलग ढंग से फॉर्मेट बनाया गया था। विविध जोड़ियों के साथ इस सीजन को दीपिका कक्कड़ ने जीता था। दर्शकों, अब बात कर लेते हैं सीजन 13 के बारे में। सीजन 13 को सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने नाम किया था। सिद्धार्थ शुक्ला एक भारतीय मॉडल और अभिनेता हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ने इस शो के जरिए बहुत ही फैन फॉलोइंग कमाई थी। उन्हीं के साथ आसिम रियाज का भी नाम आता है।
आसिम नियाज ने भी इस शो के जरिए अपने बहुत से फैंस बना लिए थे, फिर भी सिद्धार्थ शुक्ला ने इस शो को अपने नाम किया। से गुजारिश है कि आप हमें कमेंट में बताएं कि आपकी राय में कौन से सीज़न का कौन सा विनर होना चाहिए था, वो हमें आप कमेंट में बताइए।